जय हिंद दोस्तों, कमांडो डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बिना आज हम बात करेंगे जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा चल रही है, एक एग्जाम आज शुरू हो गया है और जिन जिन बच्चों का आज एग्जाम हुआ है उनका बहुत ही अच्छा हुआ है और जो जो बच्चे ये पेपर देख रहे हैं वो बच्चों ने बोल भी किया कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो क्लास के अंदर हमने किया है, जो क्लास के अंदर पढ़ाई की है, जो बच्चों ने मेहनत की है और जो टीम ने मिलकर के कमांडो डिफेंस एकेडमी की टीम ने मिलकर जो काम किया है, जितना इस बेंच के अंदर जितनी मेहनत की उस मेहनत से कहीं बढ़ चढ़ कर परिणाम मिला। क्योंकि बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर हमारा बहुत अच्छा हुआ, जो हमने पढ़ा था, जो आपने नोट्स किए थे, जो क्लास के अंदर करवाए थे, जैसे आपने मैथ के अंदर करवाए हैं, जैसे आप साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, जीके के अंदर जो जो चीज़ें आपने करवाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ग्रैंड किया है, वो एग्जाम के अंदर वैसे वैसे पुटअप हुए। इसीलिए आज ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे जीके से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चनों को देख के आप आगे जो एग्जाम देंगे बच्चे उनको ध्यान रखना है कि समझ से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको मौर्य साम्राज्य से संस्था यानी मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी आपको इतिहास से संबंधित मौर्य साम्राज्य है, चाहे आपका हरिवंश है या आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में जो दक्षिणतम स्थान है वो कौन सा है, इधर गौचर का पूछा है, भलाविरा का सभ्य वाले बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और उसके बाद जैसे राज्य और राजधानी, राज्य और उनकी राजधानी, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो राज्य हैं उनके राज्यपाल भी आपको याद करना है, राज्यपाल याद करना है, उसके साथ मुख्यमंत्री याद करना है, मुख्यमंत्री, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जैसे आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल को अच्छे से पढ़ के रहना है। जो मैंने आपको नोट्स के रूप में दिया है, जो क्लास में पढ़ाया है, उसको रिवाइज करना, उससे आपको क्या है कि एक भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में शुरुआत पारी का क्वेश्चन आया था अमित शाह का संबंध किस पद से है, कौन सा मंत्री है, ये भी क्वेश्चन आया है। और उसके बाद में बारहवीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे उद्धव ठाकरे के बारे में पूछा, एक नाथ शिंदे के बारे में बच्चों ने बताया, ऐसा क्वेश्चन आया है। और उसके बाद राज्यपाल का क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद में जैसे विश्व से संबंधित, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये भी क्वेश्चन आया है। और एक खेल से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको तो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था। इस प्रकार के अगर एक दो क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ देना, क्योंकि ये बड़े पुराने क्वेश्चन, बहुत पुराने हो गए, तो इतना ध्यान नहीं रख सकते बच्चे। तो इस प्रकार के अगर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट के क्वेश्चन भी कुछ आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि मेरे को ये करंट का क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा नहीं है, उसको छोड़ दो, आपको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो एग्जाम के अंदर आप जीके के अंदर देखें, तो आप अगर मान लो 15 में से अगर 11-12 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 10-11 भी कर रहे हो, तो आप बढ़िया कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि चार, क्योंकि आप मैथ के अंदर, साइंस के अंदर अच्छा कर सकते हो, बिजनेस के अंदर अच्छा कर सकते हो, तो जीके में अगर बात करें कि आपके 11-12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर और साइंस के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन पूछा है, सुबह वाली पारी में क्वेश्चन आ गया था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन आया था। और अभी दोपहर की जो पारी होती है, सेकेंड पारी, उसके अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में क्वेश्चन आया था कि गुजरात की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, ये भी क्वेश्चन है, जो आपको हो सकता है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन आ जाए तो आप इसके लिए आप बाकी पेपर को खराब मत करो, क्योंकि आपके सामने एक दो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे और आप टेंशन लोगे अब क्या करेंगे, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, अगले वाले क्वेश्चन पे चले जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में राज्यसभा का क्वेश्चन आया था, आगरा का ताजमहल से संबंधित है, नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन है, खेल से क्वेश्चन भी आ गया, नदियों से क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थान पूछ रहे हैं, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राजधानी आपको याद रखना, क्योंकि जो आपको जैसे देशों की राजधानी है, चाहे राज्य की राजधानी, सारी कुछ आपको लिखा रखी है, क्लास में बता रखा है और नोट्स के रूप में भी दे रखा है, उनको आप याद कर लें। वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल टॉपिक आप बढ़िया कर लेना अच्छे से। उसके बाद में प्रथम से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपको पढ़ना है। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जो मैंने ये बताया ना, इसीलिए बताया कि आप आगे जो एग्जाम देंगे उनको इस टॉपिक से संबंधित बातें विशेष ध्यान रखना है और यहाँ से वापस क्वेश्चन आएंगे। अब आपको साइंस के बारे में कुछ
मैं जाकर सबको बुला रहा हूँ, जाकर सर आपको साइंस और मैथ के बारे में जो क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए उनके बारे में आपको बताएंगे। जाकर सर आते हैं आपको साइंस और मैथ के बारे में बच्चों को बताइए कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आए हैं, और मैथ के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और साइंस के अंदर के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाद में जो पढ़ाया उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चों को उस हिसाब से बताओ जो बच्चे क्या है उस टॉपिक को फिर विशेष ध्यान दें। तो आप आइए बताइए बच्चों को। अब बात करते हैं साइंस और मैथ के बारे में। पेपर का लेवल साइंस और मैथ का बिल्कुल इजी है, जो उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है साइंस का लेवल थोड़ा खराब मिले या मैथ का लेवल खराब मिले, वैसा नहीं, बिल्कुल इजी है। अगर थोड़ी आप मेहनत है आपकी, तो अब जैसे सुनने में आ रहा है कि जो बंदे पढ़ाए वो बोलेंगे सर मैथ और रीजनिंग में 20 में से लगभग 19-20 और साइंस में एक दो, हो सकता है सर मेहनत की वजह से कोई हो रहा हो, बाकी एकदम पूरे गिर गए। जो आज 17 तारीख को फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन पारियों में जो हुए थे उनमें से जो बच्चों के द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। देखो अब जैसे साइंस का क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज एंटीबायोटिक के रूप में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी। उसके बाद आविष्कार रदरफोर्ड, ये पूछा था कि पोलियो किस प्रकार का रोग है, वायरस से नहीं रोग, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं या तो विटामिन का रासायनिक नाम पूछ रहा है या स्रोत पूछ रहा है। अब एक इसमें ऑप्शन है था कंठ आवाज का उत्पन्न होना, कंठ ऑप्शन था तो कंठ सही है। ब्लड से संबंधित रक्त समूह से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब फर्स्ट एंड सेकंड पारी में सर्वग्राही और सर्वदाता दोनों को पूछ रहा था। सर्वग्राही एक ही होता है और सर्वदाता ओ। अब अम्ल चींटी के दंत में अम्ल, अम्ल का क्वेश्चन तीनों पारी में पूछा था, चींटी हो गया फॉर्मिक, उसके बाद में उससे संबंधित क्वेश्चन जैसे इमली का हो गया, नींबू का हो गया सिट्रेट, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल हो गया 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 3 से 5 दिन। फिर था वनस्पति विज्ञान के तहत, वनस्पति विज्ञान हो गए थियोफाइट्स, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण कहा गया वर्षण में। उसके बाद ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। फिर था चाकू से काटे जाने वाली धातु सोडियम धातु क्या होती है, चाकू से कट सकते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम परमस्तिष्क, परिवर्तन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसी वस्तु में परिवर्तन होने के बाद वापस अगर उन्हें उसी अवस्था में ला सकते हैं तो भौतिक परिवर्तन होता है, और भौतिक अगर वापस उन्हें उसी अवस्था में नहीं ला सकते तो क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आए थे जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघलने के बाद वापस हम उसको बर्फ के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मुद्दा आएगा कि चम्मच की बाहरी सतह, चम्मच की बाहरी सतह किस प्रकार से दिखाई देती है, तो उत्तल दर्पण के रूप में, दर्पण हो गया उत्तल, और अगर लेंस की बात करें तो अवतल क्योंकि उभरी हुई रहती है। फिर था एक एजैविक घटक, अब एजैविक घटक क्या होता है, जो सजीव नहीं होता है एजैविक घटक होता है। एक था देखो उसमें अम्ल में आया था विनेगर, अब विनेगर होता है क्या, विनेगर होता है सिरका के रूप में, सिरका को बोलते हैं विनेगर। एक था पीतरस का निर्माण, पीतरस का निर्माण क्या होता है, पीतरस का निर्माण होता है यकृत लिवर, और पीतरस का संग्रह क्या होता है पित्ताशय। ये था आपके साइज, साइज के लेवल बिल्कुल एकदम नॉर्मल। अब बताओ आपको मैथ का, मैथ का जैसे ये नॉर्मल टॉपिक है इसमें से आ रहे, बाकी ऐसा नहीं है सर जो डीपली क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन था, अब सरलीकरण के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे बटा के रूप में, अच्छे से कोई इस टाइप से हो गए। अब इसमें लगभग बोर्ड मास का नियम हो रहा है, नॉर्मल है बोर्ड मास के नियम से हो सकते हैं। उसके बाद भिन्न था, भिन्न आपके लिए बच्चे के रूप में, जैसे ये था एक क्वेश्चन ये था, अब इसको नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद एवरेज, एवरेज में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गया था, एक तो थोड़ा जैसे संख्या दे दी आपको, जैसे ये आपको तीन संख्या दे दी किसका औसत निकालो,
तीन को जोड़ के तीन का भाग दे दिया, ये हो गया। दूसरा था जैसे किसी पांच वस्तुओं का भार 10 केजी है और अन्य चार वस्तुओं का भार 10 केजी है, तो बताइए कुल वस्तुओं का औसत भार क्या होगा। इस टाइप से परसेंटेज का सवाल था, बहुत इजी था। लाभ हानि, लाभ हानि की क्वेश्चन में क्या एक क्वेश्चन बता रहे हैं सर, 1000 रुपए की वस्तु 1100 रुपए में बेच दी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आयतन के क्षेत्रफल की क्वेश्चन आ रहे हैं, आयतन में एक तो घनाभ का क्वेश्चन था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था, एक बता रहे सर शंकु का क्वेश्चन था। साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए फर्स्ट पार के क्वेश्चन आए थे, वो आए थे मंद के रूप में, उसमें दे रहे थे 9 मंद, कोई राशि दी थी बोला 9 मंद का इस दर से ब्याज निकालो, तो अगर आपको मंद के रूप में दे तो मंद में तो हो जाएगा 12 भाग, और अगर आपको दिन के रूप में दे तो आप इस वजह से तो वैसे एक क्वेश्चन था कि 73 दिन का साधारण ब्याज निकालो तो बट्टे में क्या जाएंगे 365, और अगर मंद का मिले तो बट्टे में क्या जाएंगे 12। उसके बाद आज एक अनुपात का था, अनुपात के क्वेश्चन मिलेंगे दो प्रकार, आज पहली पारी में अलग था दूसरी पारी में अलग था। पहली पारी में तो थे इस प्रकार से रेशियो ए रेशियो बी, कोई राशि दे दी और फिर दे दी बी रेशियो सी, जैसे ये कोई राशि दे दी एक तो इस टाइप था। दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि आपको अनुपात दे दिए और उनका योग टोटल दे दिया और बता रहे हैं कि ए का भाग बताइए, फिर एक वर्ग का क्वेश्चन अगर रीजनिंग के हिसाब से देखें तो उसमें भी मिल सकता है इसमें भी मिल सकता है, सीरीज का क्वेश्चन था एलसीएम के, बहुत बिल्कुल आसान सवाल आए और समयकालीन मजदूरी का, समयकालीन ये क्वेश्चन था कि 40 बंदे किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो बताइए 5 दिन में कितने बंदे काम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन था। लेवल बिल्कुल और रीजनिंग में सवाल आ रहे हैं, कोडिंग भी कोडिंग से लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इजी था। मैथ में लगभग फिलहाल 3 टॉपिक चल रहे हैं, साइन कॉस बिल्कुल भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी अगर क्वेश्चन आएगा उसमें आपको मान रखना पड़ेगा, 6.5 क्वेश्चन आएगा। लेवल बिल्कुल इजी है, थोड़ी मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चुमेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आगे वाले पेपर है उसमें आप बेस्ट करो और लगभग लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पारी का समान लेवल है, ऐसा है नहीं कि सर फर्स्ट पारी में हाई है सेकंड में लो, नहीं बिल्कुल सब में समान लेवल से चल रहा है। और मैं आपको खुद भविष्य के काम करता हूँ। जय राम।